हेलो, इस वीडियो लेक्चर में हम डाटा माइनिंग के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक तो है स्टेप्स इन डाटा माइनिंग प्रोसेस, या जिसको हम बोल सकते हैं KDD के कितने फेजेस होते हैं, और सेकंड है आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम। सो दोनों का हम डायग्राम देखेंगे ताकि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। एंड जैसे मैंने कहा कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स इन डाटा माइनिंग प्रोसेस या फिर KDD के क्या क्या फेजेज़ होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो अगर हमें डाटा को माइन करना है तो सबसे पहला काम है डेटा का सिलेक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग डेटा और डेटा सिलेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दिस फेज रिट्रीव्स द डेटा विच इज रेलिवेंट टू द डाटा माइनिंग प्रोसेस। सो बेसिकली हम इसमें लिख सकते हैं रेलिवेंट डेटा इज एक्सट्रैक्टेड, या आप लिख सकते हो रेलिवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, पहला फेज क्या है, डाटा सिलेक्शन। अब डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया, डेटा को अपने सिस्टम में लिया है, बट वो डेटा क्या आपका प्री प्रोसेस्ड है, क्योंकि देखो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंपली मैं एक बात कहता हूँ कि कोई एजुकेशन का डेटा है, तो हो सकता है कि कोई कॉलेज उस डेटा में बच्चों की डिग्री को BTech लिखता हो और कोई कॉलेज उस डिग्री को BE लिखता हो, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बट दोनों का बेसिक मतलब सेम है, दैट इज़ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। तो जब हम उस डेटा को दो डिफरेंट कॉलेज से अपने डाटा माइनिंग के प्रोसेस में लाएंगे तो उस कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले का जो प्रोसेस है, डेट इज कॉल्ड एज डेटा प्री प्रोसेसिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे इसके वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग के आगे के वीडियो लेक्चर्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नाउ इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग द डाटा इनटू कंसिस्टेंट स्टेट, कि कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उन सबको कंप्लीट करना, उन सबको एक कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर लेके आना। और इसी के अंदर एक होता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद डेटा प्री प्रोसेसिंग। थर्ड इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको भी बताया कि अगर BE BTech करके है तो हम उसको डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कन्वर्टिंग द डेटा इंटू अ सुइटेबल फॉर्मेट। सो कन्वर्टिंग डेटा इंटू सुइटेबल फॉर्मेट, देन आफ्टर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम डाटा को माइन करेंगे, डाटा के ऊपर डाटा माइनिंग के एल्गोस को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज एज पर द टॉपिक इज कंसर्न, डाटा माइनिंग। सो दिस प्रोसेस इज वॉट, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। सो बेसिक हम इसमें करते कैसे हैं, एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं, बाय अप्लाइंग एल्गोस, डाटा माइनिंग के वेरियस एल्गोस को डेटा के ऊपर लगाते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक बार आपके पास पैटर्न्स आ गए, आपके पास ट्रेंड्स आ गए, तो आप उसको इवेल्युएट करोगे। सो पैटर्न इवेल्युएशन इज द फिफ्थ स्टेप। ठीक है, सो पैटर्न इवेल्युएशन, सो दिस प्रोसेस दिस स्टेप इज आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑब्टेंड इन द डाटा माइनिंग। सो बेसिकली ये पैटर्न्स को नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करता है। पैटर्न्स को नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करता है पैटर्न इवेल्युएशन, एंड द फाइनल इज जो नॉलेज मिली उसको किसी तरह से प्रेजेंट करना है। सो नॉलेज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना मतलब बार चार्ट से, ग्राफ से, कुछ रूल्स आपने बना दिए, उन सब से आपने जो नॉलेज मिली है उसको
प्रेजेंट कर दिया। सो बेसिकली इट इज डेटा को विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन, ठीक है। सो ये 6 स्टेप्स हैं, डेटा सिलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, माइनिंग, पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन। और इन सब स्टेप्स की मैंने बेसिक जो डिटेल है वो यहाँ पे साइड में लिखी हुई है, जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। सो दिस इज स्टेप्स इन डेटा माइनिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस सी द आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। सो सबसे पहला तो है कि आपके डेटा के सोर्सेस कौन कौन से हैं। सो दीज आर दी डेटा सोर्सेस, बेसिकली डेटा कौन कौन से हो सकते हैं। नॉर्मल डाटाबेस हो सकता है, कोई आपका इंटरनेट के ऊपर हो सकता है, यानी www, या फिर मैं इसको कहता हूँ इंटरनेट, या फिर आपका डेटा वेयर हाउस होता है। डेटा वेयर हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा सोर्स है फॉर डाटा माइनिंग, या फिर अदर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, कोई सी भी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी जहाँ पर डेटा है आपके पास, ठीक है। सो ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सब मिलके आपके डेटा सोर्स बनते हैं, लाइक दिस। एंड इनके ऊपर अब लगता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड सिलेक्शन। डेटा को क्लीन करना, उसको इंटीग्रेट करना, मतलब सब डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और उससे यूज़फुल डेटा का सिलेक्शन करना। सो यहाँ पे ये होता है। इसके बाद इसको हम फर्दर सेव करते हैं किसी डेटाबेस के अंदर जो डेटा आपका कलेक्ट हुआ है, या फिर एक डाटा वेयरहाउस के सर्वर पे। ठीक है, सो डेटा को सिलेक्ट कलेक्ट किया, यहाँ से डेटा को क्लीन किया, सबको एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसमें से यूजफुल डेटा को सिलेक्ट किया, जो हमें चाहिए नेसेसरी डेटा, उसको फर्दर लोड किया एक डाटाबेस या डाटा वेयरहाउस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे होता है डाटा माइनिंग का इंजन, जो डाटा माइनिंग के एल्गोस को अप्लाई करता है डेटा के ऊपर। अभी आपका बोथ वेज हो सकता है, क्योंकि डाटा माइनिंग के जो एल्गोस होते हैं वो लर्न करते हैं बार बार, यानी एक बार नहीं चलते, वो डेटा के ऊपर कई बार रन करते हैं। देन वी हैव पैटर्न इवेल्युएशन, जो पैटर्न्स आपको मिले हैं उनको इवेल्युएट करना डाटा माइनिंग इंजन के थ्रू। अब ये सारे प्रोसेस आपके बोथ वेज चलेंगे। इसके बाद फाइनली है यूज़र इंटरफेस, विच इज़ नथिंग बट टू शो द रिजल्ट इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। सो इस तरह से आपका यहाँ तक है। एंड फाइनली जितना भी हमें मिला है डाटा, डाटा माइनिंग इंजन और पैटर्न इवैल्यूएशन से, उसको हम नॉलेज बेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.